नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सहजन की जो फली है या सहजन की फली कितनी फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, कितने पौष्टिक तत्व उसके अंदर हैं, उसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, अक्सर होता क्या है कि आपको पता नहीं होगा कि उसके अंदर विटामिन सी, ए, कैल्शियम, पोटेशियम, मतलब ये मान के चलिए कि जहां तक अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इतना पोटेशियम है कि उतना केले में नहीं होता, उससे ज्यादा पोटेशियम है। विटामिन सी संतरे से बहुत ज्यादा है आपके पास, और विटामिन ए गाजर से बहुत ज्यादा, मतलब इतना फायदेमंद है विटामिन ए सी और बी का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, इतना अधिक मात्रा में पाया जाता है कि पूछिएगा मत। और इसकी सबसे अच्छी कमाई कहूंगा मैं तो आपको कि इसकी सबसे अच्छी कमाई क्या है कि सहजन की फली जो है, अगर आप उसको कैसे लेंगे आप बताइए, उसके औषधीय गुण बहुत है। तो इसकी जो पत्ती है, फली की जो पत्तियां हैं, फलियां होती है ना जो फली, सहजन की फली, उससे वात और उदर शूल, नेत्र रोग, मोच, साइटिका, गठिया आदि ये सब चले जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि सहजन की जो छाल है उसका अगर आप सेवन करते हैं तो साइटिका की प्रॉब्लम आपकी खत्म होती है, गठिया से आपको फायदा मिलता है, लीवर में आपके लाभकारी है। और सहजन को अगर आपने छाल के अंदर, जो उसकी छाल है ना सहजन की, उसको शहद में मिलाकर अगर आपने लिया तो आपका वात और कफ रोग खत्म होता है। मतलब ये मान के चलिए कितना कमाल है। और इसकी जो पत्तियां हैं सहजन की, इसका काढ़ा बना लीजिएगा आप। ये साइटिका, पक्षाघात, गठिया, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। इसको बनाएंगे कैसे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब्जी को बनाने का क्या फायदा है। सब्जी को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सब्जी को बनाने के लिए आप सबसे पहले अच्छी सब्जी लेके आ जाइए। सहजन की फलियां बाजार में आपको मिल जाती हैं, उसको ला के अच्छे पानी में धो के साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद चाकू से इस किनारे से और उस किनारे से काट दीजिएगा। देन उसके छोटे 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 पीस कर लीजिएगा। अब इनको पीस करने के बाद आप इनको अलग से रख दीजिएगा। और हाँ, अब आपको सहजन की फली की सब्जी बनानी है, सहजन की सब्जी बनानी है तो क्या करना है, एक कढ़ाई ले, उसको गैस पे, चूल्हे पे, भट्टी पे, जिस पे आप चाहें उस पे रखिएगा। और उस पे रखने के बाद उसमें तकरीबन 75 ग्राम गाय का घी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप जीरा डाल दीजिएगा, धनिया डाल दीजिएगा, लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, नमक अपने हिसाब से डाल दीजिएगा और इसको हिलाइएगा। इसके साथ थोड़े थोड़े प्याज अगर आपने काट रखे हैं बारीक बारीक करके, और टमाटर बारीक करके काट रखे हैं, तो उनको भी आप उसमें डालकर भून लीजिएगा अच्छे से। अब इसको अच्छे से भुनने दीजिए। जब ये अच्छे से भुनकर इस कॉम्बिनेशन में मिक्स हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ तैयार हो गया, उसके बाद वो फलियां जो धोकर काट कर आपने रखी हुई है उनको लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा। और डालने के बाद उसके अंदर 2 गिलास पानी आप डालिएगा और उसको हिला दीजिएगा। और आप देखिएगा कि उसका रसा, 2 गिलास पानी का ही रसा है, अगर आपको उसका रसा या उसकी तरी या उसकी करी कम लगती है तो आप उसके अंदर और आधा या पौना गिलास पानी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको ढक दें और ढकने के बाद इसको उबलने दें। ये जितना उबलेगा ना उतना बढ़िया होगा। 10-10 मिनट इसको उबलने दें अच्छे से। ढक कर जब उबलेंगे इसको उतारिएगा। इसकी खुशबू होगी एक अच्छी किस्म का, अच्छी कंपनी का मसाला, गरम मसाला जिसे कहते हैं, वो लीजिएगा और 1 स्पून आप उस पे डाल दीजिएगा। ये बन गई आपकी सहजन की सब्जी। इसके फायदे, इसको इतने फायदे गिनवाए मैंने आपको, कहने की हद नहीं। आप खाएंगे तो इसके फायदे ही फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये आपके लिए, आपको अगर इसके अंदर वात रोग की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, पुराना गठिया है, तो इन सारी चीजों में आपको ये आराम में देता है और आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। सहजन की फली आपकी सेक्स पावर को बढ़ाता है, आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। तो इन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए सहजन की फली अमृत है। आप अगर हफ्ते में 3 दिन लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। जी हाँ,
तो हमने आज आपको बताया कि सहजन की फली के फायदे क्या है और सहजन की फली की सब्जी कैसे बनती है और उसको कैसे आप आनंद ले सकते हैं। इस चीज का आनंद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत अभिनंदन। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और अच्छी अच्छी चीजें आप देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है, आप शेयर कर सकते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।